नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए 500 क्वेश्चंस और ये 500 क्वेश्चन है पूरे आर्ट एंड कल्चर से। इसको लिया गया है नितिन सिंघानिया की बुक से, CCRT से, फेसेस ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है वहाँ से, और क्लास 11 की NCERT की फाइन आर्ट की बुक से। ये पूरे 500 क्वेश्चन जो होंगे पूरी तरह से बाइलिंगुअल होंगे, UPSC के लिए, IAS, PCS, SSC, TET, RRB, NDA, CDS, CAPF और अदर सिविल सर्विस और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सारे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। आपको UPSC और दूसरे स्टेट PCS के लिए, जो कि फिलहाल अभी UPPSC और MPPSC और BPSC के लिए ही चल रहे हैं और UPSC के लिए भी चल रहे हैं, आप इन दो नंबर्स पे कॉल कीजिए और बिल्कुल ही इन पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए अगर आप रियली इन एग्ज़ाम्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको बिल्कुल ही ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स और वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर 500 क्वेश्चन। 413 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कहते हैं सही है। पहला है, कॉइंस ऑफ चालुक्य किंग हैड वन साइड इमेज ऑफ अ टेंपल ऑन लायन एंड लीजियंस, ऑन द अदर साइड वाज लेफ्ट मैन। अब जो चालुक्य के राजा होते थे उनके सिक्कों में एक तरफ मंदिर या शेर या किंवदंतियों की छवि होती थी और दूसरी तरफ जो है वो खाली छोड़ दिया जाता था। समझ रहे ना, एक साइड में मान लीजिए कि कोई चालुक्य है, चालुक्य ने जो शीशे लगाए उसमें एक साइड में या तो हमारा टेंपल होगा, ठीक है, अगर ये टेंपल नहीं होगा और लिख दीजिए तो फिर लॉयन का चित्र होगा, अगर ये भी नहीं होगा तो वहां पे किंवदंतियां जो होती थी, दैट मीन स्टोरी जो होती थी और उनमें जो वीर होते थे, हाँ, या जो भी उन किंवदंतियों में जो भी छवि होती थी उसका, उसको उकेरा जाता था एक साइड में, और दूसरा साइड जो होता था ये हमारा ब्लैंक होता था। चालुक्यों के सिक्कों की बात हो रही है। सेकंड देखिए, द कॉइंस इशूड बाय राजपूत डायनेस्टी वर मोस्टली ऑफ सिल्वर, राजपूत वंश द्वारा जारी सिक्के ज्यादातर हमारे चांदी के होते हैं। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हो सकता है, सिर्फ स्टेटमेंट की मैं बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं इसको करेक्ट बता रहा हूं, करेक्ट तो आप बताएंगे। राजपूतों के सिक्के, अगर सिक्के जो होते थे चांदी के होते थे, इसका मतलब क्या था, वो बहुत ही संपन्न होते हैं। अब आपको करेक्ट कोड देखना है, A1, B2, C both 1 and 2 or D neither 1 nor 2। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ए कहने का मतलब है कि तुरंत ही देखिए, ए का मतलब ओनली वन जो है वो हमारा सही है। दूसरा, राजपूतों के सिक्के ज्यादातर चांदी के थे, यह हमारा गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं राजपूतों के सिक्के कैसे थे। राजपूत वंश द्वारा जारी सिक्के ज्यादातर सोने, तांबे या बिलोन, चांदी और तांबे का एक मिश्र धातु के थे। चांदी का उपयोग बहुत ही कम किया जाता था, मतलब कि अगर हम राजपूतों की बात करें, ठीक है, अगर हम राजपूत की बात करें तो लगभग पूरा हमारा आप पाएंगे कि 1192 तक, जब तक जो है हमारे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार नहीं जाते हैं और हर्षवर्धन के पतन के बाद, ठीक है, लगभग 646 या 648 AD की बात बोले तो ये पूरा पीरियड जो बीच का है वो राजपूतों से भरा है। ज्यादातर अधिकतर जगहों पे राजपूत ही आपको मिलते हैं, बहुत ही सिवालरस होते थे और जब उन्होंने अपने सिक्के बनवाए तो उनके सिक्के या तो हमारे गोल्ड के होते थे या फिर कॉपर के होते थे, ठीक है, कॉपर मतलब कि हमारा तांबा का होता था, या फिर हमारे बिलोन के होते थे। बिलोन के होते थे, बिलोन क्या होता था, हमारा सिल्वर और कॉपर का एक मिश्र धातु होता था। चांदी के सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो राजपूत जो है चांदी के सिक्के बहुत ही कम बनवाते थे, भले गोल्ड का बनवा लेंगे, कॉपर का बनवा लेंगे या चांदी और इसका मिला जुला बना लेंगे, चांदी वाला सिक्का बहुत कम रखते थे राजपूत। नेक्स्ट हम देखते हैं 414, फिश वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल इन द कॉइंस ऑफ। अब किसके सिक्कों में फिश मतलब मछली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक होता था। पहला, चालुक्य राजाओं के, दूसरा चोल राजाओं के, सी मुगल राजाओं के और डी पांडियन राजाओं के। अंदाजा लगाइए, देख करके आपको पता चल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, पांडियन। पांडियन क्यों, क्योंकि चोल चेर पांड्या जो आप पढ़ते हैं तो जो हमारा
नीचे वाला है मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे पूरा जो थे हमारे आपको लगभग यहाँ पे चोल, चेर और पांड्या मिल जाएंगे। तो पांड्या चूंकि यहाँ पे हमारे कोस्टल एरिया के पास रहते थे, कोस्टल एरिया कौन सा है, इधर मान लीजिए हमारा अरब सागर है और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए जो नीचे रहेगा दैट मीन्स उसका ज्यादातर ट्रेड जो होगा वो सी से होगा। तो जब उसका ज्यादा ट्रेड सी से होगा तो उसके राज काज में भी आपको समुद्र की छवि मिल जाएगी। तो अगर मछली का प्रतीक है, मछली उसके सिक्कों पे छपा हुआ है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि चालुक्य, चोल या फिर मुगल इनका जो मेन है मतलब मेन इनकी जरूरतें होती थी लगभग लैंड से पूरी हो जाती थी। पांडियन जो होते थे वो समुद्र के पास थे इसलिए समुद्र के थ्रू अगर ट्रेड भी करते थे इसलिए उनके लिए मछली या समुद्र इंपॉर्टेंट था, इसलिए पांडियनों के सिक्कों पे आप मछली को पाएंगे। आप मतलब वैसे ही मैं इसलिए बोल रहा था कि देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके सिक्कों पे हो सकता है, जो जिसका राज समुद्र के पास होगा। बिल्कुल ही नॉर्मल थॉट रखना है, लॉजिकल। 415 हम देखते हैं, 415 हमारे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल वॉज इंट्रोड्यूस बाई शेर शाह सूरी द्वारा सिल्वर टांका और तांबे का जत्था लगाया गया था, तांबे का जित्तल उसने इश्यू किया था। ये दोनों क्या थे, कॉइन्स टाइप के ही थे, सिक्के ही थे। शेर शाह सूरी कहां का शासक था, बिहार का, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक सर्कुलेटेड ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स एज टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य और तांबे के सिक्कों को टोकन मुद्रा के रूप में परिचालित किया। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना है, तुगलक वंश की अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी ये राजा था, एम्बिशियस, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसको उस समय का सबसे बुद्धिमान राजा कह सकते हैं, क्योंकि जो टोकन मनी या फिर फिएट मनी जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। चलिए मैं आपको बताता हूं टोकन मनी क्या है। 2000 का नोट लिया, 2000 का नोट, ठीक है, इंडियन जितनी भी हमारी बाउंड्री है उसके अंदर 2000 के सिक्के, 2000 के जो नोट है वो 2000 रुपए में चल जाएंगे। अगर यही नोट लेकर के आप ऐसी जगह से जाते हैं जहां पे इंडिया से कोई भी ट्रेड नहीं है तो उन सिक्कों में से क्या निकाल पाएंगे, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है कि भाई 2000 रुपए का सोना पड़ा है या चांदी पड़ा है जिसको हम निकालेंगे तो ये 2000 रुपए हमें मिल जाएंगे। इट इज जस्ट अ टोकन मनी वेयर कौन, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो साइन करके देते हैं आपको, ठीक है ना, टोकन मनी उसमें साइन करके देते हैं कि मैं इस रुपए धारण करने वाले को, मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन देता हूं। इसका मतलब है कि भारत की टेरिटरी में या जहां पे भी हमारा ट्रेड होता है कुछ एक जगहों पे बिना एक्सचेंज के भी वो 2000 के रुपए जो है हमारे चल जाते हैं। लेकिन सेम बात मोहम्मद बिन तुगलक ने आज से लगभग 800 साल पहले आप बात समझ सकते हैं, 800 साल पहले लगभग सेम बात उन्होंने सोच ली थी। तो क्या होता था, उनको कहा जाता है कि इतिहास में पागल बादशाह है, ठीक है, पागल बादशाह, पागल आदमी वो नहीं था। सिर्फ खासकर इस की मैं बात करूं तो सिक्कों वाली, क्यों, उसकी जो सिर्फ सोच जो थी वो समय से आगे थी, उस समय के लिए सही नहीं थी। नहीं तो सोच तो टोकन मनी चूंकि आज अगर हम यूज कर रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, उस समय भी यूज हो सकती थी लेकिन वो समय ऐसा नहीं था जहां पे टोकन मनी का यूज हो सके, क्योंकि लोग उसके बाद क्या किए, तुरंत ही इन लोगों ने लगे काउंटरफेट नकली मुद्रा चलाने और उसके पूरे आंगन में जाकर के धीरे धीरे इतनी ज्यादा कॉइन हो गई, उसके बाद फिर वही इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा एक आध और खराब जजमेंट है, उसने बोला था उधर जाकर रशिया को जीत लेना है, जो लोग गए रास्ते में मर गए। तीसरा, ये सब तो बेवकूफी वाला है, तीसरा उसने सोचा, क्या सोचा भाई, भारत की राजधानी को यहाँ दिल्ली से उड़ा के कहा तुगलकाबाद और फिर तुगलकाबाद से बोला यार ठीक नहीं है फिर दिल्ली चलते हैं। तो उस समय मैन मटेरियल लॉस काफी ज्यादा हुआ, पहले जो लोग नहीं आते थे उनको घोड़ों के पीछे बदवा के रगड़ दिया, वो लोग मारे गए। तो इस तरह से पागल बादशाह इसको इस संदर्भ में कह सकते हैं, लेकिन सिक्कों वाले संदर्भ में वो आज के टाइम में टोकन मनी चल रही है तो उस टाइम में चल सकती थी लेकिन वो समय ऐसा नहीं था। दो घटनाएं आपने देख ली, दो स्टेटमेंट देख ली, करेक्ट कोड बताइए
ए वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, और डी नीदर वन नॉट टू। क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी का मतलब है कि ओनली टू, ये जो तुगलक वाली में बात बोल रहा था कि उन्होंने क्या किया, कांस्य और तांबे के सिक्के को टोकन मुद्रा के रूप में परिचालित किया, ठीक है। और उस समय सिक्के किस भाव में चलते थे, अगर बाहर के ट्रेड करते तो सिक्कों की इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, तो अगर वो नहीं भी किसी का मुहर लगा फिर भी तो वो बिकेगा ना, उसका मटेरियल ही उतने का है, उसकी जो सामग्री है सोना या चांदी वही उतने की है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कांसे या तांबे के सिक्के वो बनवा दिए, और वो भी ऐसे सिक्के जो आराम से घर में लोग पंच मार के बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सिक्के हैं ये चांदी के सिक्कों वाले भाव के मिलेंगे। अब आपके यहाँ आपके राज्य में तो चल जाएगा, जैसे ही बाहर वो सिक्के जाएंगे वो कौन लेगा उसको, क्योंकि उस तांबे की वैल्यू लगभग जो उस समय सिल्वर की वैल्यू होती थी उसके बराबर तो है नहीं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, अंतर्निहित जो उसकी उसका मान है वो तो है ही नहीं, तो इसलिए उनका ये प्रोग्राम फेल हो गया। दूसरा जो है हमारा सही है, पहला जो है वो गलत है। सिल्वर टंका और कॉपर जीतल ये शुरू किया था शेरशाह सूरी ने नहीं, इल्तुतमिश ने। किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में आप जानते हैं, इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इल्तुतमिश 1192 में पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने हरा दिया, ठीक है। अब गोरी जब भारत से गया तो उसने अपना यहां पे दास रखा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक दिन हॉर्स से गिर करके उसका डेथ हो गया। उसके बाद इसका दास जो था इल्तुतमिश वो गद्दी पे बैठा। अब ये जो इल्तुतमिश साहब हैं इन्होंने ही सिल्वर का टंका और कॉपर का जीतल अपने टाइम में चलवाया था, शेरशाह वाली बात जो है गलत। नेक्स्ट हम देखते हैं 416 हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, अकबर इशू गोल्ड कॉइंस कॉल्ड इलाही कॉइंस, अकबर ने इलाही नामक सोने के सिक्के जारी किए। सेकंड देखिए, द मोस्ट फेमस कॉइंस ऑफ अकबर हैड इमेजेस ऑफ जोड़ी साइंस, अकबर के सबसे प्रसिद्ध सिक्कों में राशियों के चित्र थे। दो हो गए हमारे करेक्ट कोड, आप देखिए ए हो गया वन, बी टू, सी दोनों ही सही है, और डी दोनों में से कोई नहीं सही है। क्या सही आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ए कहने का मतलब है कि ओनली टू इज राइट, ओनली वन इज राइट, मतलब कि तुरंत ही आउटराइटली काट दीजिए टू को, टू हमारा गलती हो गया। टू में यहां पे कहा जा रहा है कि अकबर के सबसे प्रसिद्ध सिक्कों में राशियों के चित्र होते थे, गलत है। किसके सिक्कों में राशियों के चित्र होते थे, अकबर नहीं है ये, किसका, जहांगीर। जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा था, और जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां था। एक दिन ऐसे ही मतलब किसी ना और कोई कमेंट देने लगता है कि भाई शाहजहां जो है जहांगीर का बेटा, ये तो गलत है, ऐसा ऐसे कैसे चलेगा। पहले आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर का बेटा जो था हमारा शाहजहां था। यहां पे क्या है, जहांगीर के सबसे जो प्रसिद्ध सिक्के थे उसमें राशियों के चित्र थे। नेक्स्ट देखते हैं 417 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द दीपाम शमशा, दीपामशा एंड महामशा आर वेल नोन श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब दीप वंश और महावंश सुप्रसिद्ध श्रीलंका की बौद्ध ग्रंथ है। दूसरा हम देखते हैं, किंग अशोक सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्ध। अब राजा अशोक ने अपने दो बेटे बेटियों को, मतलब कि महेंद्र पुत्र का नाम था और पुत्री का नाम था संघमित्रा, उनको कहां भेजा, श्रीलंका। श्रीलंका किस लिए, टू हैव गुड रिलेशन विद श्रीलंका उनको, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे बुद्ध का संदेश देने के लिए, लोगों को ज्यादातर ज्यादा बौद्ध बनाने के लिए। दो हो गए स्टेटमेंट हमारे, अब हम देखते हैं इसमें से हमारे कौन सा करेक्ट है, ए वन, बी टू, सी बोथ वन एंड टू, और डी नीदर वन नॉट टू। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सी, दोनों ही हमारे सही है। दीप वंश और महावंश ये श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं, और राजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बुद्ध का प्रचार करने के लिए भेजा था।
418 हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है, देखते हैं। इन द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड मेनी प्रोमिनेंट ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया एंड रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशन। अब प्राचीन और मध्यकाल में कई प्रमुख यात्रियों ने भारत का दौरा किया और अपनी टिप्पणियां दर्ज की, उनमें से महिला, उनमें से कुछ जो लोग आए उनमें से कुछ जो थी वो महिलाएं भी थी। फिर हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, फाहियांग विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी रूलर चंद्रगुप्त मौर्य। फाहियांग जो था वो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में दौरा किया था। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे, तो बड़े ध्यान से देखना है, फाहियांग है या ह्वेनसांग है, एकदम याद होना चाहिए आपको जबानी, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट कोड देखिए A1, B2 और C दोनों ही, और D दोनों में से कोई नहीं, क्या सही होगा देखिए, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे D। D कहने का मतलब कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है हमारे ये गलत है, आउटराइटली काटिए। पहली तो बात है कि जितने भी प्राचीन और मध्यकाल में, मतलब कि एंशिएंट की अगर मैं बात करूं प्लस मेडिवल्स, हम पाएंगे कि हमारे यहाँ पे कई सारे विदेशी लोग आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं यहाँ पे कई सारे घूमने के लिए। और महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी महिला यात्री का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध में नहीं है, मतलब कि नो फीमेल ट्रेवलर रिकॉर्डेड, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। हो सकता आए हो नहीं आए हो हमें नहीं पता है, लेकिन कोई भी फीमेल जो थी वहां पे नहीं थी। एक हो गया। अब फाहियांग जो है वो किसके शासन में आया था, फाहियांग ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियांग आया था, यही मैं बोल रहा था। चंद्रगुप्त आप बस नाम देखते कि फाहियांग लगा है, ओके फाहियांग ठीक है, चंद्रगुप्त लिखा है ठीक है चंद्रगुप्त लिखा है, और आप सही मार्ग निकल जाएंगे, तुरंत आंसर वही गलत हो जाएगा। फाहियांग आया तो है, फाहियांग भारत आया है और चंद्रगुप्त के ही टाइम पे आया है, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त है ये मौर्य वंश का नहीं है, कब का है, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त है ये, और इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखिए हम चलते हैं 419। 419 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, ह्वेनसांग वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर। अब ह्वेनसांग जो भारत आया था वो एक चीनी यात्री था। दूसरा देखिए, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टिक रूलर हर्षवर्धन। अब ह्वेनसांग जब भारत आया तो उसने पुष्यभूति राजवंश के शासक हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत का दौरा किया। दो स्टेटमेंट हमारे पास हो गए, करेक्ट कोड आप बताइए, A1, B2, C दोनों ही सही है और D दोनों से कोई नहीं है। करेक्ट कोड हमारा क्या होगा, करेक्ट कोड होगा हमारा C का मतलब होगा कि दोनों ही हमारे सही है। ह्वेनसांग चीनी यात्री था, बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन के समय में, और हर्षवर्धन किस राजवंश का था, पुष्यभूति राजवंश का था, हर्षवर्धन के समय में आया था कौन, ह्वेनसांग, कहा गया था चीन का। नेक्स्ट हम देखते हैं 420 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए कौन सा कथन सही है, फर्स्ट है डेमकस या फिर डिमाचोस अ ग्रीक ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार। डेमकस एक ग्रीक यात्री था जो बिंदुसार के शासन काल के दौरान भारत में आया था। दूसरा देखिए, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इब्न बतूता इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान भारत आया था। कौन सा करेक्ट कोड होगा, A1, B2, C बोथ 1 और 2 और D नीदर 1 नॉर 2, क्या सही होगा भाई, करेक्ट ऑप्शन है हमारा A कहने का मतलब है कि डेमकस अ ग्रीक ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार, ये बात हमारी सही है। तुरंत ही दूसरा गलत हो गया, दूसरा क्या हो गया, इब्न बतूता किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और इन तुगलक साहब को क्या कहा जाता है, पागल बादशाह, या ये वही पर्सन है जिन्होंने किसके
तांबे के सिक्के तांबे और कांसे के क्या चला दिए थे, टोकन मनी, टोकन मुद्रा चला दी थी। और चूंकि यह बिल्कुल ही इनोवेटिव आइडिया था, आज हर एक जगह पे चलता है, लेकिन उस समय फेल हो गया था। लोग लगे नकली सिक्के बनाने और चलाने, मुद्रास्फीति हो गई। फिर वही हमने जो आपको बताया, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, ठीक है। तो इनके ही शासन काल में कौन आया था, इब्न बतूता, 421। देखिए, विलियम हॉकिंस, अ ब्रिटिश ट्रेवलर, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब विलियम हॉकिंस जो था, भारत में किसके शासन काल में आया था? पहला है मुगल साम्राज्य शासक अकबर, फिर मुगल साम्राज्य शासक जहांगीर, फिर विजयनगर शासक कृष्णदेव राय, और डी मुगल साम्राज्य शासक शाहजहां। तीन तो मुगल वाले हैं, और यहाँ पर सी जो है विजयनगर शासक कृष्णदेव राय है। क्या होगा सही, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मतलब कि विलियम हॉकिंस विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में यह हमारा विलियम हॉकिंस भारत में आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 422। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट आप देखिए, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया एज एन एम्बेसडर ऑफ ग्रीक वॉरियर सेल्यूकस वन निकेटर। अब मेगास्थनीज जो था वो यूनान के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत में आया था। सेकंड देखिए, ही विजिटेड द मौर्य कैपिटल पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया इन्होंने, किसने, मेगास्थनीज ने। फिर इन हिज बुक इंडिका, अब मेगास्थनीज ने एक किताब भी लिखी है, क्या किताब का नाम है, इंडिका, इन्होंने लिखा है, ही डिस्क्राइब्ड मेनली द सिटी लाइफ इन इंडिया, भारत के शहरों को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाउसेस सिटी स्ट्रीट्स एक्सेट्रा, कि उस समय के भारत में जो शहर की सड़कें कैसी थी या शहर में बाकी चीजों का निर्माण, भवनों का निर्माण कैसे होता था। तो ये सारे शहर के जीवन का वर्णन किया है किसने, मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका। करेक्ट कोड बताइए, ए 1, बी 1, 2, सी 2, 3 और डी हो गया ऑल ऑफ द अबव, क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखिए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे बी। बी कहने का मतलब है कि पीछे चलते हैं, 1 और 2 हमारे सही हैं, इसका मतलब आउट राइटली हमारे हमें काटना है कौन सा, 3। यहाँ पे मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में किस चीज का वर्णन किया है, इंडिका में उपमहाद्वीप का वर्णन है, भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन, जिसमें दक्षिण और पूर्वी तरफ समुद्र से घिरा चतुर्भुज आकार का देश बताया गया है। मतलब इंडिका में उन्होंने लिखा है क्या, पूरे भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, राइट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि दक्षिणी, मतलब कि अगर हम यहां लिखे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो उनका कहना था कि दक्षिण में और पूरब में यहां पे क्या था, सी था, और इस तरह से एक चतुर्भुजाकार देश था। और उन्होंने यह भी लिखा है कि यह हमें मिट्टी, नदियों, पौधों, जानवरों, प्रशासन और भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण देता है। और इंडिका में आपको क्या क्या मिल जाएगा, भारत की मिट्टी, भारत में कौन कौन सी नदियां थी, किधर किधर से बहती थी, कौन कौन से पौधे होते थे, भारत में कौन कौन से जानवर होते थे, भारत का प्रशासन कैसा था, भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसे थे, इन सब के बारे में इंडिका में, और किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था, ये सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था जो कि भारत में आया था, और किसके शासन में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। कहां पे घूमा था, एकदम तुरंत इसको रेडी, इसको फट से याद कर लीजिए, कहां पे आया था, पाटलिपुत्र में। क्या इसने लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन किया है, कहा है कि भारत जो था एक चतुर्भुज के रूप में था, और चतुर्भुज में उन्होंने यह भी लिखा है कि दक्षिण और पूरब में समुद्र था, और उसके अलावा मिट्टी, नदियां, पौधे, जानवर, प्रशासन, भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन के इसमें वर्णन किया है। 423 देखते हैं, 423 क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। पहला है किताब उल हिंद, इब्न बतूता ने लिखा है। दूसरा है इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखा है। तीसरा है मुरुज उल जिहाब, अल मसूदी ने लिखा है। चौथा है सी यू की फायान ने लिखा है। तो यह चार चीजें हो गई हमारी। अब हम देखते हैं कि करेक्ट कोड क्या है। देखिए ए है, ए अगर मैं लिखूं तो ए है 12, बी 13, सी 23 और डी 24। क्या होगा हमारा करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी अगर हम बोलते हैं तो 2 और 3, दैट मीन स्टेटमेंट जो है हमारा 1 और 4 यहीं पे तुरंत आउटराइटली काट दीजिए, 1 और 4 को काट दीजिए, ये गलती है। 1 और 4 हमारा गलत है। किताब उल हिंद किसने लिखा है, यहाँ पे किताब उल हिंद बरूनी ने लिखा है। किसने, यहाँ पे इब्न बतूता काटिए और यहाँ पे लिखिए बरूनी, ठीक है, बरूनी ने लिखा है। फिर चौथा सी यू की किसने लिखा है, फायान ने नहीं लिखा है। किस, क्या होगा यहाँ पे, देखिए सी यू की को वेनसांग ने लिखा है, तो यहाँ पे आप तुरंत ही वेनसांग लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 424 हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। पहला देखिए, इब्न बतूता वॉज फैसिनेटेड बाई पान, बिटर लिप्स एंड कोकोनट एंड रोट डिस्क्रिप्टिवली अबाउट देम इन हिज अकाउंट्स। इब्न बतूता पान और नारियल से मोहित हो गया था और अपने विवरण में, खातों में नहीं, अपने विवरण में जो भी उन्होंने लिखा है उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया। किसके बारे में, पान के बारे में और नारियल के बारे में, कि भारत में पान और नारियल खूब होता था। दूसरा देखिए, अल बैरूनी वॉज ऑल्सो नोन एज द हेरोडोटस ऑफ द अरब। अल बैरूनी को अरबों का हेरोडोटस के नाम से जाता है, के नाम से जाना जाता है। अब हेरोडोटस किस, कौन था भाई, अल बैरूनी को तो मान लिया कि हेरोडोटस, अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है, लेकिन हेरोडोटस कौन था। हेरोडोटस इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ द हिस्ट्री, ये तो बात आपको याद होगी, फादर ऑफ द हिस्ट्री इनको क्यों कहा जाता है। भारत में, इन इंडिया, फर्स्ट जो है अगर मैं लिखूं यहां पे आर्म्ड इन्वेडर, फर्स्ट आर्म इन्वेडर किसी को पता है, चलिए फटाफट कमेंट पे लिखिए, फर्स्ट आर्म्ड इन्वेडर कौन था, डारियस फर्स्ट, दारा प्रथम। कब, कुछ लोग कहते हैं 519 बीसी में और कुछ कहते हैं 518 बीसी में इसने भारत पर आक्रमण किया और खासकर जो हमारा सिंध वाला एरिया है, जो अफगानिस्तान बलूचिस्तान वो वाला एरिया, उसको जीत भी लिया था। अब इस डेरियस प्रथम के साथ ही हेरोडोटस जो है वो भारत आया था और इसने भारत के बारे में भी वर्णन किया है। और यह जो डेरियस फर्स्ट क्या था, पर्शियन था, पारसी था, उस समय पारस का रहने वाला था। तो हेरोडोटस लगभग 518-519 बीसी में उसने इतिहास में अपने कुछ अकाउंट्स लिखे हैं, उसकी वजह से उसको फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। दूसरा, तो यहां पे अल बैरूनी को अरब का हेरोडोटस के रूप में जाना जाता है, ये बात तो हो गया। इब्न बतूता पान और नारियल से मोहित हो गया था। करेक्ट कोड आपको देखना है ए 1, बी 2 और सी दोनों और डी दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे ए। ए कहने का मतलब है कि सिर्फ ओनली वन, इसका मतलब कि तुरंत ही हमारा दूसरा गलत हो जाता है। दूसरा गलत होने का मतलब क्या है, अल मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। किसको, अल मसूदी को, अल बैरूनी यहां से काट दीजिए, अल देखना है तो तुरंत ही अल मसूदी। क्वेश्चन नंबर 425 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, इब्न बतूता रोट अ बुक ऑफ ट्रेवल्स इन अरबिक कॉल्ड रिहला। अब इब्न बतूता ने अरबी में यात्रा की एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम रिहला है। फिर दूसरा देखिए, इब्न बतूता वॉज अपॉइंटेड एज काजी और जज ऑफ दिल्ली बाई मोहम्मद बिन तुगलक। अब इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काजी या दिल्ली का जज के रूप में नियुक्त किया गया था। ए देखिए, पहला सही है, मतलब ओनली वन होगा, बी ओनली टू होगा, सी दोनों ही होंगे और डी दोनों में से कोई नहीं होंगे। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, होगा सी, दोनों ही हमारी चीजें सही है। 426 देखिए,
ही सीवियरली क्रिटिसाइज, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को देखकर आपको बताना है कि किसका है और किसके बारे में कहा गया है, किसका नहीं किसके बारे में यह कहा गया है। 426 देखते हैं, 426 में दिया गया है, ही सीवियरली क्रिटिसाइज द मुगल एम्पायर कॉलिंग देम किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस एंड टोल्ड दैट देयर वाज अ लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड इन मुगल इंडिया। अब इन्होंने मुगल साम्राज्य की कड़ी आलोचना की है और उन्हें भिखारियों और बर्बर लोगों का राजा बताया है। उन्होंने बताया है कि मुगल भारत में भूमि में निजी संपत्ति की कमी थी, मतलब कि सारा का जो सारा था वो मुगलों ने हड़प रखा था, मतलब कि स्टेट की ही जमीन होती थी। यह बात किसने कही है, यह बात किसने कही है, यह बात देखिए, ए है जीन बैप्टिस्ट ट्रेनियर, बी है निकोलो डी काउंट, सी है विलियम हॉकिंस और डी है फ्रेंकोइस बर्नियर। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मतलब फ्रेंकोइस बर्नियर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 427। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब भारत, उत्तर भारत में, खासकर भारत में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। सेकंड देखिए, नयनार एंड अलवर्स वर द टू मेन ग्रुप्स ऑफ भक्ति सेंट्स इन साउथ इंडिया। अब नयनार तथा अलवर दक्षिण भारत में भक्ति संतों के दो मुख्य समूह थे। करेक्ट कोड देखना है, A1, B2 और C दोनों ही सही है और D नीदर वन नॉट टू। क्या होगा सही, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी कहने का मतलब है कि ओनली टू इज राइट, दैट मीन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। कहा जा रहा है कि द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्या यह सही है। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी भाग में हुई थी, ठीक है, साउथ वाले भाग में, विशेषकर तमिलनाडु में 6वीं में और 10वीं शताब्दी के बीच। यह धीरे धीरे 15वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी भारत में आया था, मतलब कि दक्षिणी भागों में 6ठी और 10वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में ही हो गई थी, मतलब भारत में जब आया उससे लगभग 900 साल पहले, भारत में नहीं उत्तरी भारत में, राइट, उत्तरी भारत में जब ये हुआ उससे 900 साल पहले। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद आते आते यहां पे उत्तर वाले हिस्से में धीरे धीरे भक्ति आंदोलन फैल गया। इसमें कौन कौन मुख्य थे, जैसे हमारे थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी थी मीरा, फिर गुरु नानक, ये सभी लोग भक्ति मूवमेंट के ही संत थे। नेक्स्ट हम देखते हैं 428 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द अलवर्स एंड नयनार्स वर अपोज्ड टू ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। अब जो अलवर और नयनार थे वो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरोधी थे और ये दोनों आपको पता होगा कि ये साउथ के कौन से, भक्ति मूवमेंट के दौरान, भक्ति मूवमेंट सेंट के संत थे, भक्ति मूवमेंट के दौरान वे संत थे अलवर और नैनार। ये क्या लिखा गया कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरोधी थे। सेकंड देखिए, दे वर ऑल्सो अपोज्ड टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वे जैन और बौद्ध धर्म के भी विरोधी थे। थर्ड देखिए, भक्ति मूवमेंट्स बिलीव्ड इन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, भक्ति आंदोलन अनुष्ठान और समारोह में विश्वास करता था। करेक्ट कोड देखिए, ए ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 2 एंड 3, सी है ओनली 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये चार हमारे हो गए, क्या सही होगा यहां पे, करेक्ट ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन ए में क्या होगा, ए मतलब 1 एंड 2 हमारा सही है और तुरंत ही तीसरा जो होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। लिखा गया कि भक्ति आंदोलन अनुष्ठान समारोहों में विश्वास करता था, यही बात यहाँ पे गलत है। भक्ति आंदोलन में अनुष्ठानों और समारोह को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि भक्ति आंदोलन में मुख्य रूप से कौन कौन से पाए जाते हैं, अगर नानक की अगर आप बात करें तो आपने पाया है कि वो किसी अनुष्ठान में विश्वास करते थे। मीराबाई की बात कीजिए, अनुष्ठान आपको दिखता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की बात कीजिए, आपको अनुष्ठान दिखता है। कबीर की बात करें, ये दिखता है, नहीं दिखता है।
उस समय मेन फोकस भक्ति आंदोलन में क्या था कि प्रेम भाव से अपने भक्ति को ईश्वर में लगाइए और उसी से आपको ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 429 क्वेश्चन ऑफ 429 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही है, देखते हैं। फर्स्ट, आदि शंकर वॉज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैत नॉन ड्यूलिज्म स्कूल ऑफ वेदांत फिलोसफी, मतलब कि आदि शंकराचार्य की बात यहां पे की जा रही है, वो वेदांत दर्शन, अब जो भारत में हिंदू फिलॉसफी के हिंदू दर्शन है उसके जो वेदांत दर्शन की बात की जा रही है, तो आदि शंकराचार्य जो हैं वो वेदांत दर्शन के अद्वैतवाद मतलब कि गैर द्वैतवाद स्कूल के विचारधारा के मुख्य प्रस्तावक थे, मतलब सबसे पहले ही उन्होंने अद्वैतवाद की बात शुरू की थी। अद्वैतवाद क्या होता है कि मतलब डुअलिज्म गॉड का नहीं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कई सारे देवताओं की पूजा की जाती है, यूजुअली वो देवता नहीं है, वो प्रकृति रूप है जिसको वैदिक धर्म में सबको देवता माना जाता है और ये अच्छा भी है कि जो भी प्रकृति आपको चीजें दे रही है, जैसे अग्नि हो गया तो अग्नि को देवता मान लिया, वायु जल इन सबको लोग देवता ही मानते हैं, तो वैसे ही आदि शंकराचार्य जो थे वो द्वैतवाद नहीं मतलब ये मानते थे कि सारे चाहे विभिन्न रूप हैं लेकिन ईश्वर जो है उसका एक ही स्वरूप है, उसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए। तो आदि शंकराचार्य वेदांत दर्शन के अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रस्तावक थे, पहला हो गया। दूसरा देखिए, दादू दयाल वाज़ द सेंट ऑफ सगुण स्कूल। अब दादू दयाल जो थे वो सगुण भक्ति मार्ग के संत थे। सगुण क्या मतलब क्या है, सगुण मतलब कि एक ऐसा ईश्वर जो गुणों से परिपूर्ण हो। दूसरा होता है निर्गुण, निर्गुण मतलब कि जो निराकार हो और उसमें कोई गुण ना हो। तो ये भी एक मतलब विचारधारा थी भक्ति में। तो वैसे ही दादू दयाल की बात कहें तो वो सगुण भक्ति मार्ग के संत थे। दो स्टेटमेंट हो गए हमारे पास, देखते हैं करेक्ट कोड क्या होगा। ए है 1, बी है 2, सी है बोथ 1 एंड 2 और डी है नीदर 1 नॉट 2। क्या होगा सही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ए कहने का मतलब है कि ए में ओनली 1 जो सही है, दादू दयाल सगुण भक्ति मार्ग के संत थे, ये हमारा गलत है। क्या होगा यहाँ पे सही, दादू दयाल जो थे वो निर्गुण भक्ति मार्ग के संत थे, यहाँ पे सगुण वाली बात जो है वो गलत है, सगुण की जगह पे क्या थे वो निर्गुण भक्ति मार्ग के संत थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 430 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड बिल्डिंग द कुतुब मीनार इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना शुरू कर दिया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कर दिया था किसके याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। दूसरा स्टेटमेंट है कि शेख नशरुद्दीन महमूद वॉज गिवन द टाइटल चिराग दिल्ली और लैम्प ऑफ दिल्ली। अब शेख नशरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली या दिल्ली का लैम्प की उपाधि दी गई थी। अब देखिए करेक्ट कोड यहाँ पे क्या होगा, ए है 1, बी है 2, सी 1, 2 दोनों ही और डी दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट कोड होगा यहाँ पे सी, सी का मतलब होगा कि दोनों ही हमारे सही हैं। 431 चलते हैं, 431 में क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखिए कौन सा कथन सही है। पहला है शेख बहाउद्दीन जकारिया एस्टेब्लिश सुहरावर्दी सिलसिला इन इंडिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना की। दूसरा देखिए, कदारिया सिलसिला बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अब अकबर के शासन काल में कादरी, यहाँ पे है कदारिया है, कादरी सिलसिला जो था वो काफी लोकप्रिय हो गया था। तो आपने दो स्टेटमेंट देखे, करेक्ट कोड देखिए, ए है 1, बी 2, सी 1, 2 और डी दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ए कहने का मतलब सिर्फ जो है वो हमारा 1 सही है। सही क्या है कि शेख बहाउद्दीन जाकारिया ने भारत में सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद से जो दूसरा है ये हमारा गलत हो जाता है। दूसरे में क्या है, अकबर के शासनकाल के दौरान कादरी सिलसिला लोकप्रिय हो गया था, ये बात जो है हमारी गलत है। अकबर के शासनकाल में नक्शबंदी, क्या होगा यहाँ पे नक्शबंदी, यहाँ पे कादरी नहीं होगा, क्या होगा नक्शबंदी सिलसिला जो है वो काफी लोकप्रिय हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 432, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दार अस इस्लाम। सूफी आंदोलन के संदर्भ में
मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दार इस्लाम इन कॉन्टेक्स्ट विद सूफी मूवमेंट। अब सूफी आंदोलन के संदर्भ में दार इस्लाम का अर्थ क्या है, अब इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सूफी आंदोलन क्या है। देखिए, एक तो हम जानते हैं कि बिल्कुल अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में कई सारे फैक्शंस भी हैं, उसी में कई सारे फैक्शंस जो हैं काफी ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं, रेडिकल रेडिकल इस्लाम को मानते हैं, और इससे क्या होता है कि जो धर्मों के बीच की गहराई है, पार्ट है, वो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। वैसे ही अगर कोई हिंदू रेडिकल होगा, क्रिश्चियन रेडिकल होगा, पारसी रेडिकल होगा, तो हमेशा इंटरेस्ट का क्लास होते रहेगा। तो पुराने समय में सूफी मूवमेंट चला और ये रेडिकल इस्लाम को छोड़ करके, जो कि काफी कठोर था और दूसरों को मतलब एक्सेप्ट नहीं करता था, एक सूफी आंदोलन शुरू हुआ जो कि लोगों में प्रेम भाव और इन चीजों की बात करता था। तो ये काफी फेमस हुआ और इसको अदर देन जो इस्लाम के लोग थे, जैसे हिंदू हो गए या जो भी लोग थे, उन लोगों ने भी इसको माना। तो सूफी आंदोलन के संदर्भ में आपको यह बताना है कि हमारा दारे इस्लाम क्या है। ये हम देखेंगे, स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी विद अल्लाह, अब अल्लाह के साथ भक्त का आध्यात्मिक विलय। बी है वन गॉड फॉर इंटायर यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक ही ईश्वर। सी है लैंड ऑफ पीस, शांति की भूमि। और डी है रिमेंबरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम, हर समय भगवान का स्मरण। बताइए आप, क्या है सूफी आंदोलन के संदर्भ में दारे इस्लाम, इन चारों में से किसको कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सी का मतलब होगा दारे इस्लाम का अर्थ है शांति की भूमि। नेक्स्ट हम देखते हैं 433। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखिए, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ GI इज गिवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब GI एक GI टैग होता है, GI टैग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु कहीं से फेमस है, ज्योग्राफिकली फेमस है, तो कोई ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी टैग दिया जाता है। जैसे अगर हम बोले कि बनारस की साड़ी फेमस है, तो बनारस की साड़ी को ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिल जाएगा। तो ये जो GI का पंजीकरण है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर जगह से, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है, तो उसको GI रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी उसकी तय कर ली जाएगी। एक हो गया। दूसरा देखिए कि गुड्स और सर्विसेज दोनों को GI सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। यहाँ पे 3 ना होकर के 2 है। मतलब गुड्स एक तो कोई भी माल हो गया, सर्विसेज मतलब कोई भी सेवाएं हो गई, माल को छोड़ करके। देखिए सर्विसेज की परिभाषा क्या है, अगर आप देखें तो व्हाट इज नॉट गुड्स इज सर्विसेज, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। मतलब कि आप जैसे अगर हो गया कि अगर हम किसी को, जैसे इंडिया में कई सारे IPO लगे हैं, IPO मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ के लोग उस पर अपनी सर्विसेज देते हैं, या फिर हमारे IT एक्सपोर्ट जो है वो इवन चाइना को भी IT, ठीक है, बैंकिंग और ये सब सारी सुविधाएं देते हैं, तो हम चाइना को सर्विसेज देते हैं, कई सारे देशों को हम सर्विसेज देते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि गुड्स और सर्विसेज, माल और सेवाएं, दोनों को ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। वैसे ही हम थर्ड देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन एंड इट मे बी रिन्यूड। अब ये जो पंजीकरण आवेदन जो होता है, मतलब इसके लिए GI के पंजीकरण के लिए, वो आप पाएंगे कि सिर्फ 5 साल के लिए वैध होता है और इसे रिन्यू किया जा सकता है, नवीनीकृत किया जा सकता है। करेक्ट कोड चुनिए, ए है 1, B 1, 2, C 1, 3 और D हो गया 2, 3। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ए कहने का मतलब है कि सिर्फ ओनली वन हमारा सही है, ओनली वन को हम सही लगा देते हैं, आउटराइटली स्टेटमेंट 2 और 3 को हम यहाँ पे काट देते हैं। और इसमें सही देखते हैं क्या होगा। कहा जा रहा है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों को GI सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। इस संदर्भ में यह है कि गुड्स और सर्विसेज में केवल माल को, मतलब कि सिर्फ आप पाएंगे कि गुड्स को GI प्रमाणीकरण दिया जा सकता है, सर्विसेज को GI टैग नहीं दिया जा सकता, GI नहीं दिया जा सकता।
ओके, एक ये बात हो गई। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी पंजीकरण होता है जीआई के लिए, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के लिए जो भी पंजीकरण होता है वह 5 साल के लिए वैध है, यह गलत बात है, 10 साल के लिए वो वैध है। ओके, और इसके बाद 10 साल की प्रत्येक अवधि की समाप्ति पर उसको रिन्यू किया जा सकता है। 434 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। पहला देखिए कथन क्या है, फर्स्ट है कि द हैदराबाद हलीम इज द ओनली इंडियन डिश टू हैव गॉटन अ जीआई स्टेटस। अब हैदराबाद में जो हलीम है वह एकमात्र भारतीय व्यंजन है जिसे क्या है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी का दर्जा मिला है। सी है, तिरुपति लड्डू बिकेम द फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तिरुपति लड्डू भारत में पहला जीआई टैग उत्पाद बन गया, मतलब कि पहले किसी अगर वस्तु को जीआई टैग दिया गया है तो वो है तिरुपति का लड्डू। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हो गए, अब आपको बताना है कौन सा सही है। ए देखिए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, और डी है दोनों में से कोई नहीं। क्या सही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। अगर हम ए कहें यहां पे तो ए हो गया ओनली वन, इसका मतलब कि टू जो है वो गलत है। यहाँ पे वन वाली बात सही है कि हैदराबाद का जो हलीम है, हैदराबाद की हम यही जानते हैं कि हैदराबादी बिरयानी, मतलब हैदराबाद के जो बिरयानी को ही जीआई टैग मिला होगा। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करें, ये तो डिश है, ये डिश कहिए, कुजीन कहिए, तो ये डिश और कुजीन में सिर्फ हैदराबाद के हलीम को ही ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी टैग मिला हुआ है। सेकंड जो बात कही जा रही है कि तिरुपति लड्डू भारत में पहला जीआई टैग का उत्पाद बन गया है, यह बात गलत है। गलत क्यों है कि दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग चाय भारत में पहला जीआई टैग उत्पाद बनी और 2004-05 में जीआई का दर्जा इसको दिया गया था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं, ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक हो गया, आइडेंटिटी मतलब पहचान, मतलब कि अगर किसी भौगोल की, मतलब कि दार्जिलिंग की ही चाय जो फेमस है वही फेमस है, उसको जीआई टैग दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 435 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीआई स्टेटस। नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसको जीआई स्टेटस मिला गया है, जीआई का दर्जा, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी का दर्जा, भौगोलिक पहचान का दर्जा किसको दिया गया है। पहला है हमारा बिहार की शाही लीची, दूसरा है बीकानेरी भुजिया, तीसरा है वाराणसी नरम पत्थर की जाली का काम, और चौथा है नीलांबू सागौन। करेक्ट कोड देखिए हमारा 123 है, बी है 12, और बी है 12, और सी है 34, और डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, इसमें से ये जो चारों आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों को अपनी अपनी जगह पे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कहने का मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी टैग इनको दिया गया है। अब बिहार की शाही लीची, कभी आप जाइए, स्पेशली जो मुजफ्फरपुर साइड की फेमस है, वैशाली से लेके मुजफ्फरपुर वाला जो एरिया हो गया, मतलब लीची के लिए फेमस है, तो वहां पे एक शाही लीची होती है, बहुत ही पतला उसका जो ऊपर का जो ये होता है छिलका, और अंदर जब आप खाएंगे तो उसमें एक दूसरी ही सुगंध होती है, तो उसको भी जीआई टैग मिला गया है बिहार का। फिर बीकानेर की भुजिया आपको दुकानों पे भी मिल जाएगी, बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। वाराणसी नरम पत्थर की जाली का काम, अब वाराणसी के जो सॉफ्ट स्टोन का जाली का काम है वो, उसको भी जीआई टैग मिला गया है, और नीलांबर टी सागौन के जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 436 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR की हम बात कर रहे हैं, इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। ऐतिहासिक है इसमें, मतलब कि जो इतिहास का अनुसंधान करे, परिषद संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, पहला हो गया। दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू इज प्लेटेड विद सिल्वर एंड इट इज नोन एज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को चांदी से मढ़ा गया है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है।
इसके बारे में जो सेकंड स्टेटमेंट है, तो आपने तो काफी ज्यादा देख भी रखा होगा क्योंकि काफी ज्यादा ये सोशल मीडिया से लेकर के पूरे मीडिया में था, क्योंकि इतना बड़ा, मतलब कि आप जान लीजिए कि यह ऊंचाई में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो यूएस का है उससे भी ऊंचा है ये, ठीक है। तो इस मूर्ति को ये चांदी से मढ़ने वाली बात है, सही है नहीं है ये आप बताएंगे, लेकिन इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो कहा ही जाता है, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दोनों स्टेटमेंट आपके सामने है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, और दूसरा आपने जान लिया। करेक्ट कोड चुनते हैं A1, B2, C दोनों ही, और D दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे D। D कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी नहीं। क्यों? देखिए, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जिसकी हम बात कर रहे थे ICHR, वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब कि आप इसको शिक्षा मंत्रालय भी कह सकते हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय भी कह सकते हैं, इसके अंदर का एक स्वायत्त संगठन है। फिर हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कांसे से मढ़ी गई है, यहां पे क्या लिखा था, चांदी लिखा था ना, सिल्वर, आपको मैं पीछे ले चल के दिखा भी देता हूं, यहां पे लिखा था कि चांदी से मढ़ी गई है, चांदी नहीं, ये गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए, प्लेटेड विद ब्रॉन्ज, ठीक है, तो इसको कांसे से मढ़ा गया और इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। फिर हम देखते हैं 437, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मकर विलाकू फेस्टिवल, मकर विलाकू महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन मकर संक्रांति एट द श्राइन ऑफ शबरीमाला इन केरला, यह एक वार्षिक त्योहार है जो मकर संक्रांति पर केरल के शबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द शबरीमाला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, शबरीमाला मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब शबरीमाला मंदिर के बारे में काफी ज्यादा ये भी न्यूज में था, आप जानते हैं शबरीमाला में पहले एक विशेष आयु वर्ग की जो औरतें होती थी उनको एंट्री नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि भाई उनकी भी एंट्री वहां पे होनी ही चाहिए, तो अभी सभी औरतों का वहां पे एंट्री है, ठीक है, तो इसलिए शबरीमाला काफी न्यूज में रहा है। अब आपको ये बताना है कि मकर विलकू महोत्सव जो है वो वार्षिक त्योहार है कहाँ का, मकर संक्रांति पर केरला के शबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है, यह बात सही है नहीं है। दूसरा, शबरीमाला मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, सही है नहीं है। करेक्ट कोड आप बताइए, ए पहला सही है, बी दूसरा सही है, सी दोनों ही सही है, और डी दोनों में से कोई नहीं सही है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ए कहने का मतलब कि सिर्फ फर्स्ट जो है वो सही है हमारा, मतलब कि मकर विलकू महोत्सव एक वार्षिक ईयरली फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, और कहां पे, केरल के शबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन इसको मनाया जाता है। लेकिन स्टेटमेंट टू जो है हमारा गलत है, शबरीमाला मंदिर भगवान शिव का मंदिर नहीं है। किसका मंदिर है फिर ये, देखिए शबरीमाला मंदिर जो है वो हिंदू ब्रह्मचर्य देवता अय्यप्पन को धर्मस्थल के रूप में जाना जाता है, जो विश्वास के अनुसार शिव और मोहिनी के पुत्र हैं और विष्णु के अवतार हैं। देखिए किसकी बात कही जा रही है, यहाँ पे हिंदू ब्रह्मचर्य के देवता, ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिबेसी होती है, सेलिबेसी का मतलब होता है कि व्हेन अ मेल और फीमेल डजंट हैव फिजिकल रिलेशन विद एनी ऑफ द काउंटर पार्ट, चाहे मेल है तो फीमेल से कोई भी संपर्क नहीं रखता है, तो उसको हम बोलते हैं सेलिबेसी। तो यह जो शबरीमाला मंदिर है हिंदू ब्रह्मचर्य के देवता अय्यप्पन का धर्मस्थल है, जो कहा जाता है, एक वहां पे मत है कि वो शिव और मोहिनी के पुत्र हैं, विष्णु के अवतार। देखिए यहाँ पे मोहिनी को विष्णु का अवतार कहा गया है, यह बात बिल्कुल ही मतलब ये हो सकती है। इसके बारे में एक छोटी सी यह है, चूंकि ये आपको काफी गूफी लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि मोहिनी कैसे विष्णु के अवतार हो सकती है, और शिव और मतलब दोनों ही पुरुष हैं, तो पुरुष पुरुष के पुत्र कैसे हो सकता है, और वो भी ब्रह्मचारी जिसको कि अय्यप्पन कहेंगे। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, राइट, छोटी सी स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यह यहाँ पे आया है कि शिव और मोहिनी, और जो मोहिनी को बोला है विष्णु के अवतार है, तो समुद्र मंथन से क्या निकला, अमृत निकला। अमृत के लिए जो देव थे और असुर थे दोनों क्या हुआ कि काफी लड़ने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने
क्या किया, मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करके वहां पे पहुंचे और अमृत जो है उन्होंने ले लिया। अमृत लेने के बाद से उन्होंने कहा कि अमृत का जो वितरण है देवताओं में और असुरों में मैं बराबर बराबर कर दूंगी। तो चूंकि मोहिनी का जो रूप था वो काफी ऐसा आकर्षक था कि जो राक्षस थे मतलब असुर थे वो इससे भ्रमित हो गए, वो मान गए और वहां पे जाकर के एक जगह पे देवों और असुरों को बैठा दिया गया और मोहिनी दोनों को अमृत पिलाने लगी। देवों को तो वो अमृत पिलाती थी लेकिन असुरों को एक साधारण सा द्रव्य मान लीजिए कि पानी उनको पिलाया जाता था। करते करते उसमें एक किसी असुर ने देख लिया और वो आकर के अपनी साइड चेंज करके और देवों में बैठ गया और बाद में जाकर के चंद्र और सूर्य ने उसको देखा और उसको बताया और मोहिनी ने वहीं पे विष्णु का रूप धारण करके उस असुर का सिर काट दिया अपने चक्र के द्वारा। अब जो मोहिनी थी, कहा जाता है कि ये सारा काम समाप्ति होने के बाद से मोहिनी वो कहीं मतलब फिर वहां से निकली और उसी समय जो भगवान शिव थे और माता पार्वती थी वो दोनों आपस में बैठे हुए थे तो वहां पे बात हो रही थी कि कौन कितना फेथफुल है। तो पार्वती के कहने पे मोहिनी ने भगवान शिव को ल्यूर किया मतलब अपनी तरफ आकर्षित किया, ल्यूर किया। उसके बाद से इससे मतलब ल्यूर होकर के चूंकि वो भगवान विष्णु की माया का ही रूप थे, भगवान विष्णु ही थे, तो वो माया में भगवान शिव भी पड़ गए और उस मोहिनी के पीछे पीछे जाने लगे। कहते हैं कि मोहिनी आगे भागी और भगवान शिव पीछे पीछे। करते करते जब मोहिनी को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और लास्ट में मतलब पकड़ तो नहीं पाए लेकिन कहते हैं कि उसी छुअन की वजह से यहां पे हिंदू ब्रह्मचर्य के देवता अयप्पन का जन्म हुआ जिसका आधा शरीर तो भगवान विष्णु जैसा है और आधा शरीर जो है वो भगवान शिव जैसा है। तो वो माना जाता है कि वो ब्रह्मचर्य के देवता है। सबरीमाला मंदिर में औरतों का इसीलिए एंट्री मतलब उनका अंदर जाना मना था क्योंकि अगर कोई देवता हिंदू ब्रह्मचर्य देवता है तो उसके पास माना जाता है कि कोई रजस्वला स्त्री मतलब कि एक पर्टिकुलर उम्र में जबकि औरतें जो होती हैं उनको अपने साइकिल्स आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं उस समय के दौरान उनको नहीं जाना था सबरीमाला मंदिर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको समानता जो है आर्टिकल 14 के तहत कि भाई कोई भी कहीं पे भी जा सकता है और उस समय इनके साथ नहीं होना चाहिए मतलब समानता का अधिकार इनका नहीं टूटना चाहिए तो इसलिए औरतों को भी परमिट कर दिया है। आपको पता चल गया कि अयप्पन कौन है और वो कैसे शिव और विष्णु के पुत्र हैं, शिव और जो उनका विष्णु का मोहिनी रूप था तो उसके पुत्र हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 438 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए द फॉलोअर ऑफ वर्करी पंथ और वर्करी संप्रदाय वर्सिप लॉर्ड बिठोवा। अब वर्करी पंथ या वर्करी संप्रदाय के अनुयायी भगवान बिठोवा की पूजा करते थे। सेकंड देखिए नामदेव एंड एकनाथ आर प्रोमिनेंट फिगर्स अंडर दिस सेक्ट, नामदेव और एकनाथ इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रमुख व्यक्ति थे। करेक्ट कोड हम देखेंगे ए है 1 बी है 1 2 सी है 1 और 2 दोनों ही और डी है दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी मतलब कि दोनों ही सही है। वारकरी पंथ या वारकरी संप्रदाय के अनुयायी भगवान बिठोवा की पूजा करते थे सही है और नामदेव और एकनाथ इसी संप्रदाय के किस संप्रदाय के वारकरी पंथ या फिर वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत प्रमुख व्यक्ति थे। नेक्स्ट अब देखते हैं 439 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। पहला निम्बार्क वॉज चीफ प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैत फिलोसफी, निम्बार्क जो थे वो अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन मतलब कि देर इज नो सेकेंड गॉड देर इज ओनली वन गॉड डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेरियस फॉर्म्स इन हिंदुइज्म। अगर हिंदू दर्शन की बात करें तो यहाँ पे कई कोटि देवता है मतलब करोड़ों देवता है, करोड़ों देवता वो सभी प्रकृति के ही रूप है उनको लोग देवता मानते हैं लेकिन जो निम्बार्क जो यहाँ का दर्शन है अद्वैत दर्शन वो ये कहता है कि ये सारे एक ही रूप में समाहित होकर के सिर्फ एक गॉड बनाते हैं। आदि शंकराचार्य भी अद्वैत दर्शन के ही थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्बार्क जो थे वो अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रस्तावक थे।
सेकंड देखिए, माध्वाचार्य नेम्ड हिज फिलॉसफी एज तत्ववेद। माध्वाचार्य ने अपने दर्शन को तत्ववेद नाम दिया। करेक्ट कोड आपको चुनना है A1, B2 और C, बोथ 1 और 2 और D होगा नेदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी कहने का मतलब है कि ओनली 2 जो है, दिस वन माधवाचार्य ने अपने दर्शन को तत्ववेद नाम दिया, यह सही है। लेकिन पहला जो है वो गलत है। निम्बार्क कहा जा रहा था कि अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रस्तावक थे, ये गलत है। निम्बार्क द्वैत और अद्वैत दर्शन के एक प्रमुख प्रस्तावक थे। इसमें दोनों ही चीजें हैं, मतलब कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो ये कहना चाहता है कि भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निम्बार्क द्वैत और अद्वैत दर्शन के एक प्रमुख प्रस्तावक थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन 440, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा तो सही है? फर्स्ट, कबीर वॉज सेंट ऑफ निर्गुण स्कूल। कबीर जो थे वो निर्गुण स्कूल के संत थे। सेकंड, हिज आइडिया हैव बीन कंपाइल्ड इन अ टेक्स्ट कॉल्ड बीजक। उनके विचारों को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। ये हो गया हमारे पास दो स्टेटमेंट। चलिए हम देखते हैं कि करेक्ट कोड क्या है। ए है 1, B2, C 1 और 2 और डी है नीदर 1 नॉर 2। सही क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सी का मतलब है कि दोनों के दोनों ही हमारा सही है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा है। आप प्लीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका इसी चैनल पे आपको समझाया जाएगा। पीडीएफ जो है आपको पेड कोर्सेज में मिल जाएंगे और सारी चीजें आप बिल्कुल इसको देखते रहिए, इसको सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स, ये पूरे 500 क्वेश्चन है। थैंक्स एंड जय हिंद।